चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। टू कार्स पी एंड क्यू स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट एट द सेम टाइम इन अ स्ट्रेट लाइन एंड देयर पोजिशन आर रिप्रेजेंटेड बाई एक्स पी टी। अच्छा, ए टी प्लस बी टी स्क्वायर है और एक्स ओ क्यू होना चाहिए, एफ टी माइनस टी स्क्वायर है। व्हाट टाइम डू द कार्स हैव द सेम वेलोसिटी। अच्छा, ये पी कार की जो पोजिशन है वो है ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, क्यू कार की जो पोजीशन है एक्स क्यू, इसको लिख सकते हैं एफ टी माइनस टी स्क्वायर। तो मैं दोनों की वेलोसिटी अगर निकालूं तो क्या होगा, दोनों एक ही टाइम पे स्टार्ट करते हैं चलना, सेम टाइम पे देखो, और अगर टी केवल जीरो रखा जाए तो पोजीशन जीरो आएगी इसकी भी और इसकी भी, तो दोनों एक ही पोजीशन ओरिजिन से चलना शुरू कर रहे हैं। तो अगर इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें इस इक्वेशन को एक्सपी को, तो क्या आएगा ए इंटू वन प्लस बी इंटू टू टी, और ये वेलोसिटी किसकी होगी, पी पॉइंट पी कार की वेलोसिटी हुई। अगर मैं इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो क्या आएगा एफ इंटू वन माइनस टू इंटू टी, क्या है ये क्यू पॉइंट की वेलोसिटी है। तो पी की वेलोसिटी कितनी हुई ए प्लस टू बी, क्यू की वेलोसिटी कार की वेलोसिटी हो गई एफ माइनस टू टी। तो कह रहे किस टाइम पे वेलोसिटी सेम होगी, तो दोनों वेलोसिटी को इक्वल कर दो, ए प्लस टू बी, टू बी इंटू टी, टी यहां मिस हो गया, टू बी इंटू टी इसको ठीक कर लेना, इसको टू बी टी, इसको टू बी टी इज इक्वल टू इधर क्या होगा एफ माइनस टू टी, करेक्ट है एफ माइनस टू टी करेक्ट। अब दोनों को इसको इधर लाओ और एक उधर ले जाओ, ठीक है इधर लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा ये टू बी टी प्लस टू टी इज इक्वल टू एफ माइनस ए, टी कॉमन ले लो, टू बी प्लस टू इक्वल टू एफ माइनस ए, टू को भी कॉमन ले लो, टू टी हो जाएगा बी प्लस वन इज इक्वल टू एफ माइनस ए, सो टी इज इक्वल टू एफ माइनस ए अपॉन टू बी प्लस वन, टी की वैल्यू ये आ गई, टी की वैल्यू कौन से ऑप्शन से ये एफ माइनस ए ये है 2a, हाँ ये सही है, ये ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।